हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका रेसिपीज बाय संध्या में। आज हम बनाने जा रहे हैं दही और मेथी के कबाब। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को पूरा देखे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी रेसिपी। यहाँ पे एक बाउल ले लिया है, 2 बड़े चम्मच बारीक कट किया हुआ किशमिश, 2 बड़े चम्मच बारीक कट किया हुआ काजू, 2 से 3 बड़े चम्मच बारीक कट किया हुआ हरा धनिया, 1 पिंच इलायची पाउडर, 1 पिंच जायफल पाउडर, 1 पिंच लाल मिर्च पाउडर, 1 पिंच गरम मसाला, 1 पिंच चाट मसाला, 1/4 टीस्पून नमक। मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया, एक साइड में रख लेंगे। एक दूसरा बाउल ले लिया है, 2 कप बारीक कट किया हुआ मेथी पत्ता, इसमें डंडियाँ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने हंकड़ लिया है, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल छेना की तरह दिख रहा है। 400 ग्राम दही को कॉटन के कपड़े में बांधकर पूरी रात के लिए टांग कर रख दी थी। बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए दही में, बिल्कुल ऐसे गाढ़ा होना चाहिए। 3 बड़े चम्मच भुना हुआ बेसन, 1/4 टीस्पून काले मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/4 टीस्पून चाट मसाला, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। पानी इसमें मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। यहाँ पे मैंने 1/4 कप कॉर्नफ्लोर ले लिया है, यहीं साइड में रख लेंगे। हाथ में ऑयल या घी लगा लेंगे। कबाब आपको जितना बड़ा बनाना हो उतना पोर्शन ले लीजिए, मिश्रण से ऐसे बाइंड कर लेंगे, हाथ के ऊपर रखेंगे, थोड़ा सा जगह बनाएंगे। ये जो हमने फिलिंग के लिए तैयार किया है मिश्रण, थोड़ा सा रख लेंगे इसके ऊपर, चारों तरफ से इकट्ठा करेंगे, बिल्कुल ऐसे घुमा घुमा कर चिकना करेंगे ताकि स्टफिंग बाहर ना आए। लोई की तरह घुमा घुमा कर चिकना कर लेंगे, हल्का प्रेस कर देंगे, सूखे कॉर्नफ्लोर से कोटिंग कर लेंगे उलट पलट कर चारों तरफ से अच्छे से। ऐसे हाथों से उलट पलट करते हुए एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लोर हटा देंगे, एक प्लेट में रखते जाएंगे। फिर से हाथों में ऑयल लगा लेंगे अच्छे से। कबाब बनाने के लिए मिश्रण लेंगे, गोल कर लेंगे, थोड़ा सा जगह बनाएंगे स्टफिंग के लिए। चारों तरफ से इकट्ठा करते हुए चिकना कर लेंगे कबाब के मिश्रण को, जैसे हमने पहले किया था बिल्कुल सेम तरीके से। हल्का सा प्रेस कर देंगे, साइडों से चिकना कर लेंगे, सूखे कॉर्नफ्लोर से कोटिंग कर लेंगे, एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लोर हटा देंगे ऐसे करते हुए। बस ऐसे ही बाकी के मिश्रण से कबाब तैयार कर लेंगे। सारे कबाब बना के मैंने तैयार कर लिया है, फ्राई कर लेते हैं। गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई पहले से ऑयली है, गर्म होने देंगे। कढ़ाई गर्म हो चुका है, 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल डाल लेंगे। डीप फ्राई नहीं करना है कबाब को, सैलो फ्राई करेंगे। गैस को मीडियम पे कर लेंगे, कबाब रखेंगे। सारे कबाब मैंने कढ़ाई में डाल लिया है, एक साइड से अच्छे से फ्राई होने देंगे, फिर एक एक करके पलट देंगे। एक साइड से हमारा कबाब अच्छे से फ्राई हो चुका है, एक एक करके पलट देंगे। दूसरे साइड से भी क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। कबाब को हल्का हल्का प्रेस कर देंगे ताकि अच्छे से सिक जाए, अंदर से कच्चा ना रहे। बिल्कुल हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा प्रेस करेंगे तो ये खुल जाएगा और सारा स्टफिंग बाहर आ जाएगा। दूसरी तरफ से भी क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है कबाब को। कबाब को दोनों साइडों से उलट पलट करते हुए मैंने फ्राई कर लिया है, बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है। इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है कबाब को। कबाब को टिश्यू पेपर के ऊपर रख लेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा।
हमारा दही और मेथी का कबाब बनके बिल्कुल रेडी है। इसके ऊपर से चाट मसाला स्प्रिंकल कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी बना है। आप अपने पसंद के अनुसार लाल चटनी के साथ या हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। आप भी दही और मेथी के कबाब एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत टेस्टी बनता है। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।